मुंबई और मुंबरा के शान, भाई शमीम खान की जान, जिसको मसीहा अपना माने, बूढ़े बच्चे जवान हो आए, भाई जितेंद्र आबाद। हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज 5 अगस्त का दिन है और मुंबरा कलवा के आमदार व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन को मनाने के लिए मंत्री जितेंद्र आवाड के ठाणे स्थित बंगले पर आज एनसीपी के कलवा मुंबरा के अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान और एनसीपी के और भी कई नगर सेवकों सहित एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद। वैसे तो हर साल मंत्री जितेंद्र आवाड का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, मगर इस बार कोरोना महामारी की वजह से जितेंद्र आवाड ने अपना जन्मदिन कुछ अलग तरीके से ही मनाया। बिल्कुल सादगी के साथ जन्मदिन के मौके पर राशन की किट गरीबों में मंत्री जितेंद्र आवाड ने बांटा और कोरोना इलाज के लिए प्लाज्मा भी डोनेट किया। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड के जन्मदिन के मौके पर टीएमसी के स्कूल के एक छात्र मोहम्मद शोएब शेख, जो मुंबरा के रहने वाला है, उसने मंत्री जितेंद्र आवाड की तस्वीर की पेंटिंग मंत्री को गिफ्ट किया है। मंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर क्या कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है, सुनिए। अच्छी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं त्यौहार जो मेरा त्यौहार होता है, मेरा बर्थडे कम त्यौहार ज़्यादा है, लोगों के लिए खुशियों का दिन है। लेकिन जब लोगों के घर में, कई लोगों के घर में गम का माहौल है, उसमें मैं खुद खुशी जाहिर नहीं कर सकता। वहीं एनसीपी के कलवा मुंबरा अध्यक्ष शमीम खान और शानू पठान ने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड के जन्मदिन पर 1000 मास्क और 1000 ऑक्सीमीटर और 500 थर्मल स्कैनिंग गन मुंबरा के सोसाइटियों में बांटे गए हैं और मुंबरा पुलिस स्टेशन, इसके अलावा ट्रैफिक विभाग, दमकल विभाग और टीएमसी के कर्मचारियों को मास्क और थर्मल स्कैनिंग गन ऑक्सीमीटर दिए गए हैं। इसके अलावा गरीबों में राशन का 1000 किट और फ्रूट एनसीपी के कलवा मुंबरा अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान ने बांटा है। शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान ने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड के जन्मदिन पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज 5 अगस्त का दिन है, हमारे नेता माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब का जन्मदिन का वो दिन है जो हम लोग हर साल 5 अगस्त को मुंबरा कौसा में हम लोग अलग अलग विभिन्न तरीके का प्रोग्राम आयोजित करते थे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का ये महामारी, यानी मैं कहूँ कि आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने इस बात का हम लोगों को संदेश दिया, हमें इस बारे में कहा कि आप लोग ऐसा कोई प्रोग्राम मत करें, बल्कि आप लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम करें जिससे उन गरीब परिवार का, जिसको कहीं ना कहीं मास्क खरीदने में दिक्कत होती है, ऑक्सीमीटर लेने में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं उन्हें वो टेम्परेचर की वो चार्ज को लाने में दिक्कत होती है, गरीबों के लिए 1000 राशन किट और 5000 मास्क, इस तरीके का 2000 ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर टॉर्च जो है 2000, इस तरीके का प्रोग्राम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, पेरेंट बॉडी की जानिब से, यूथ बॉडी की जानिब से हमने और शानू पठान साहब ने, हम लोगों ने मिल करके पूरे शहर में ये रखा है। जिस तरीके से अभी हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के हाथों से तकरीबन 6 लोगों को दिया गया, अभी यहाँ पे थाने की और मुंबरा की जो मीडिया है, ये पूरे सामान हम लोगों ने उनको भी दिया। इसके बाद हम कलवा शिवाजी जाएंगे, फिर हम मुंबरा पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके बाद हम दरगाह रोड अमृत नगर राष्ट्रवादी यूथ ऑफिस जाएंगे, बाद में पेरेंट ऑफिस जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टेडियम जाएंगे, कालशेखर हॉस्पिटल जाएंगे, गरीब यानी सलम इलाके, जो मुंबरा कौसा में सलम इलाके हैं, वहाँ भी जाएंगे, जा करके उनको ये ऑक्सीमीटर्स देंगे। ये सब सामान देने का काम इसलिए किया जा रहा है कि उन गरीबों के पास कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम्स होती है, जिससे कोरोना महामारी कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करती है, उन चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, हम लोगों ने लिया इस तरीके का प्रोग्राम करके हम लोगों की दुआएं लें, और ख़ास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के लिए दुआएं लोग दें। शानू भाई, जो विधायक हैं, ये जो है कहीं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्या ठाणे जा रहे हैं या मुंबई, कहाँ? नहीं, ठाणे में माननीय मंत्री साहब ने आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ये सोचा कि मेरी तरफ से थानेकार को लोगों के लिए कुछ पहल होना चाहिए,
मैं छोटी सी एक गूँ को ताकत के लिए, एक मदद के लिए आगे बढ़ सकूँ, जिसने उन्होंने आज थाने के अंदर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। उनके साथ कई लोग जिनको कोविड हुआ था वो भी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, आने वाले वक्त में हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब और हम लोग जिन हमारे राष्ट्रवादी वॉरियर को जो कोविड हुआ था वो भी प्लाज्मा डोनेट करेंगे। जो प्लाज्मा देने हमारे मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब गए हैं वो किसी एक मुस्लिम भाई को प्लाज्मा देने के लिए गए हैं। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज उनका प्लाज्मा जिसको दिया जा रहा है वो कोई एक मुस्लिम भाई है। सादगी के साथ मंत्री जितेंद्र अवार्ड का आज जन्मदिन मनाया गया। गरीबों में राशन और फ्रूट भी बांटा गया। इसके अलावा मास्क, थर्मल स्कैनिंग गन और ऑक्सीमीटर भी बांटे गए हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।